और इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। दे शुड बी पुट अंडर सेडिशन, दे शुड बी रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज, दैट डिग्री शुड बी कैंसिल। अगर जो कुछ इंटर्न्स हैं जिनको एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है वो भी कैंसिल होनी चाहिए। अमित शाह का दौरा था बिल्कुल, दूसरी तरफ ये सेलिब्रेशन चल रही थी, जीवे जीवे पाकिस्तान, इस तरह के जो लफ्ज थे वो इस्तेमाल किए, खुले आम हड़दंग मचा रहे थे, जिस तरह वो वीडियो सामने आया। रोकने वाला कोई नहीं था। वेयर वाज द होस्टल वार्डन? दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जिन्होंने इनको छूट दी वो सब इसमें मुलफिज हैं। ये किस किस्म के डॉक्टर्स बन के आएंगे? वी वॉन्ट नेशनलिस्ट डॉक्टर्स, वी डोंट वॉन्ट ट्रेटर डॉक्टर्स। हमें राष्ट्रवादी डॉक्टर्स की जरूरत है। और डॉक्टर जो है वो तो आपका समाज सेवा ऑफिसर होंगे, क्या उन्होंने इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया? गौर करना चाहिए था और ऑन स्पॉट एक्शन ले लेना चाहिए था उनको। बिल्कुल 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की जीत पर जो सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सामने आई, इससे हर कोई अपना जो रोष है और अपना रिएक्शन है इसके ऊपर दे रहा है। इसी बीच कल महबूबा मुफ्ती द्वारा एक ट्वीट भी किया गया और उसको लेकर भी कई सारे प्रदर्शन आज जम्मू में हुए हैं और कई सारे लोग उसके ऊपर भी अपना रोष जता रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ गगन प्रताप सिंह, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता, और अक्सर हम गगन जी के साथ बर्निंग इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। तो गगन जी, जिस तरह मैच हुआ, हार जीत तो लगी रहती है, और उसके बाद जो सेलिब्रेशंस पाकिस्तान की सपोर्ट में घाटी में की गई और उन स्टूडेंट्स द्वारा जो MBBS कर रहे हैं और नेशन को उन्होंने सर्व करना है, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत गंभीर विषय है ये, सुनिए आगे। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है और देश के लिए भी घातक है, जम्मू कश्मीर के लिए भी घातक है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके सवाल पूछने के पहले मुझे एक और सिमिलर एपिसोड याद आया। 2016 की बात है, इंडिया वर्सेज वेस्टइंडीज का सेमीफाइनल था, वो भी T20 का वर्ल्ड कप था, और इंडिया के उस मैच में हारने के उपरांत भी कश्मीर में जो है जश्न मनाया गया कुछ मिसक्रिएंट्स द्वारा। और ये NIT श्रीनगर में हुआ, जब मुझे लगता है भारत मैच जीता था उसमें, इफ आई एम नॉट मिस्टेक एंड आई हैव टू रिकॉल इट, लेकिन भारत के वहां झंडे चढ़ाए गए, जो स्टूडेंट्स थे वहां पर, जो राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वहां झंडे चढ़ाए थे NIT श्रीनगर में, और उसके विरोध में कुछ मिसक्रिएंट्स वहां पर आ गए और उन्होंने उनकी पिटाई करी। और इसमें मुझे कोई मलाल नहीं होगा बताने में आपको कि पुलिस ऑल्सो कुछ 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 पुलिस के अंदर भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने भी साथ जो मिसक्रिएंट्स का दिया था। और उसके बाद ये जो सारे स्टूडेंट्स थे, जो राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स थे, जो अलग अलग राज्यों से वहां पर आए थे, वो उन्होंने वहां कश्मीर से पलायन किया। और उस वक्त किसकी सरकार थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, PDP और BJP की। BJP वॉज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन दिस एपिसोड टुक प्लेस, दिस ऑब्नॉक्शियस एपिसोड टुक प्लेस। बट राष्ट्रवादी विद्यार्थियों की पिटाई हुई, उन्होंने वहां से पलायन किया, और जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, पैंथर्स पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया, हमने दिल्ली में भी इसका प्रोटेस्ट किया, तो हमने ये कहा कि इन राष्ट्रवादी स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और इनको आदर के साथ जो है वापस भेजना चाहिए। और काफी सारे स्टूडेंट्स NIT के, वो भी जंतर मंतर में बैठे हुए थे, हम उनके समर्थन में उतरे थे, मुझे अभी याद आ रहा है। लेकिन उनको वापस बुलाने की बजाय उनको वहां से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, और फिर कहीं ऑफ कैंपसेस में उनकी एडमिशन हुई है, भारत के अलग राज्यों में उनकी एडमिशन को स्थानांतरण कर दिया गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तब कहां थी भारतीय जनता पार्टी, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं। और अब जो हुआ है 24 अक्टूबर के बाद, इट हैज सेंड वेरी वेरी रॉन्ग सिग्नल्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया इन पर्टिकुलर। एक तरफ अमित शाह का दौरा था बिल्कुल, दूसरी तरफ ये सेलिब्रेशन चल रही थी, जीवे जीवे पाकिस्तान, इस तरह के जो लफ्ज थे वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, ना जाने कौन सी बड़ी एक अचीवमेंट है। और दूसरी तरफ ट्वीट महबूबा मुफ्ती का आया उन्हीं की सपोर्ट में, क्या लगता है कि इस तरह के ट्वीट कर शादी जाती है ऐसे स्टूडेंट्स? देखिए, शहर कुछ श्रीनगर के इलाकों के अंदर जश्न मनाया गया मिसक्रिएंट्स द्वारा, और GMC श्रीनगर में किया गया, और स्किम श्रीनगर में भी गर्ल हॉस्टल में हुड़दंग मचाया गया। कल अभी मुझे पता लगा है कि इनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया गया है, FIRs रजिस्टर की गई है, लेकिन ये सेडिशन का मामला बनता है इनके खिलाफ। ऐसे डॉक्टर्स, आप जरा सोचिए ये किस किस्म के डॉक्टर्स बन के आएंगे? वी वॉन्ट नेशनलिस्ट डॉक्टर्स, वी डोंट वॉन्ट ट्रेटर डॉक्टर्स। हमें राष्ट्रवादी डॉक्टर्स की जरूरत है। और डॉक्टर्स जो है वो तो आपका समाज सेवक होते हैं, तो ये किस किस्म का, आप जरा सोचिए, जब इनके अंदर ही वैसा जुनून है, राष्ट्र विरोध इनके अंदर पनप रहा है, तो कुछ डॉक्टर्स IAS भी करेंगे, कुछ KAS भी करेंगे, कुछ
और एडमिनिस्ट्रेशन में, हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी जगहों में भी इनकी भागीदारी होगी, तो किस किस्म का निजाम होगा जरा सोचिए। सवाल ये भी उठता है, हम कौन सी जनरेशन को रेज कर रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि जब ऐसी सेलिब्रेशन वहां पर चल रही थी, जो उस कैंपस के जिनके पास कमांड थी, जो वहां पर डीन होंगे या सीनियर ऑफिसर होंगे, क्या उन्होंने इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया? गौर करना चाहिए था और ऑन स्पॉट एक्शन ले लेना चाहिए था उनको। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है किसी वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी, हरियाणा में यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा होता तो एक दिन में फैसला ले लिया था, उसी वक्त द स्टूडेंट्स वर रस्टिकेटेड, इनकी तो डिग्रीज कैंसिल करनी चाहिए। वी डोंट वांट ट्रेटर्स, भारत का जो हित है सर्वप्रिय, इस देश का हम पैदा हुए हैं, इस देश में हम बड़े हुए हैं, इस देश का हम खाते हैं, हमने नमक खाया इस देश का यार, एंड वी ऑल एलिजेंस टू दिस कंट्री। और आपको सीट्स मिली है डॉक्टर्स की, आपको आपने प्रण लिया कि आप देश सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लेकिन आप तो देशद्रोह में विलीन हो गए हो। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की इस समय एक मैसिव एक्शन उनके द्वारा लिए जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के बीच में है या एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको जॉब से सैक भी कर दिया गया, क्या इस तरह की कार्रवाई भी बिल्कुल इन पे भी ये लागू होना चाहिए? ये गवर्नमेंट इदारे हैं, स्केम जीएमसी से लेकर जहां ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और ये तो फ्री फॉर ऑल सिचुएशन, ये तो खुले आम हड़दंग मचा रहे थे, जिस तरह वो वीडियो सामने आया है, रोकने वाला कोई नहीं था। वेयर वाज द हॉस्टल वार्डन, दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने इनको छूट दी वो सब इसमें मुलफिज हैं, इस काली करतूत पर, और इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। दे शुड बी पुट अंडर सेडिशन, दे शुड बी रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज, देयर डिग्री शुड बी कैंसल्ड। अगर जो कुछ इंटर्न्स हैं जिनको एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है वो भी कैंसिल होनी चाहिए इन लोगों की। They don't have a right to become doctors. What kind of doctors we are breeding in our Jammu and Kashmir? This is not the generation we dreamt of. Yeah, come on. मैं पैगाम देना चाहता हूं युवाओं को, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, वी आर इंडियंस। पाकिस्तान आप दे यूजिंग यू लाइक गिनी पिग्स, जो ये मिस्क्रिएंट्स, इनको मैसेज देना चाहता हूं मैं, जो वहां लोग हैं उनसे पूछे कितनी बुरा हाल है उनका वहां पर पाकिस्तान के अंदर। आप समझ, आप जान, आप सोच के आपका दिल दहल जाएगा अगर आपको पता लगेगा कि वहां पर किस तरह का शोषण होता है और किस तरह का अत्याचार होता है लोगों पर। जिस तरह का फ्रीडम यहां पर है इंडिया के बीच में है, बिल्कुल, कि ये शरेआम इस तरह से सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और देश विरोधी जो ये नारे लगाए जा रहे हैं, अगर इस तरह का एक्ट ये पाकिस्तान में करें तो किस तरह का जो बर्ताव है इनके साथ, आप सोच लीजिए। तालिबान कल्चर है वहां पर, क्या हो सकता है, सोचे, आपके सोच से भी परे है। और यही काम अगर आपने चीन पे किया होता ना, तो वहां तो आपको पता है, वो तो दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ सप्रेशन, द ब्रूटल ब्लड बाथ एंड सप्रेशन, पीपल आर अवेयर ऑफ। मैं आपको यहां पर नीच पर टिप्पणी करना चाहूंगा, ये हिंदुस्तान है जिस भूमि में हम पले बढ़े हैं, उसके लिए हमारा एक दायित्व बनता है, हम कर्जदार हैं इस भूमि के, इस मिट्टी के। और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, ये लोगों को आज समझ आना चाहिए, उन मिस्क्रिएंट्स को। और आपने भी एक नेता का भी नाम लिया कि उनका भी ट्वीट आया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, शी शुड ऑल्सो नॉट बी स्पेयर। सच काइंड ऑफ लीडर्स, सच काइंड ऑफ मिस्क्रिएंट्स, दे आर प्लेग फॉर द सोसाइटी, ये दिमाग है हमारे समाज के लिए। तो गगन प्रताप सिंह हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे और साफ इनका कहना है कि ये दीमक हैं हमारे समाज के लिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स हैं एक प्रोफेशनल कॉलेज के बीच में, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो श्रीनगर का है उसके बीच में अपनी डिग्री जो है वो परस्यू कर रहे हैं, और यही स्टूडेंट्स नेशन का फ्यूचर भी हैं, और इस तरह का एक्ट करना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूएपीए एक्ट के तहत एफआईआर भी लगाई गई हैं, और सांबा के इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी कोई 6 लोगों को डिटेन इसके ऊपर किया गया है। आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।